नमस्कार साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। इसे पूरे देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं। इस दिन कहीं पतंगे उड़ाई जाती हैं, कहीं तिल और चुलाई के लड्डू बनाए जाते हैं। हर राज्य में अपनी संस्कृति के अनुसार ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह उत्तराखंड में भी इस त्यौहार को उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी एक अलग संस्कृति और अपनी एक अलग पहचान है, तो यहाँ के त्यौहार मनाने का तरीके भी थोड़ा सा अलग हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी को सबसे बड़े त्यौहार के रूप में देखा जाता है और उत्तराखंड में भी इसे अलग अलग तरीकों से बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन पूरे उत्तराखंड में कई जगहों पर मेले लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी का सबसे बड़ा मेला बागेश्वर में लगता है। बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे बड़े ही धूमधाम से इसे मनाते हैं, जिसमें उत्तराखंड के कई लोक कलाकार आते हैं और बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को यहाँ पर मनाया जाता है। तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल में इस दिन गेंदी का मेला लगता है, जिसे देखने के लिए कई गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा कुमाऊं के कई क्षेत्रों में इस त्यौहार को घुघतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। हमारे उत्तराखंड का एक यूनिक कल्चर है, यहाँ कई रंग हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाना है, खासकर युवा वर्ग के लोगों तक, जो आज इन सब के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन घुघतिया त्यौहार मनाने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उत्तराखंड में जिस क्षेत्र में इसको घुघतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है। कुमाऊं के घरों में इस दिन घुघते बनाए जाते हैं मीठे आटे के, और बच्चे इसको कौवों को खिलाते हैं और कहते हैं, काले कावा काले घुघती माला खावे, मतलब कि कुमाऊनी में कहते हैं कि कौवे आके घुघुती की माला को खा ले। इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये उन दिनों की है जब कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश के राजा राज किया करते थे। उस समय कुमाऊं के राजा थे राजा कल्याण चंद। उनकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उसका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद ये सब मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ के मंदिर में गए और औलाद के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनको एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती के नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उससे कहती थी कि जिद मत कर, नहीं तो मैं ये माला कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए वो कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ जाते थे, जिनको देखकर घुघती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वो उनको कोई चीज खाने के लिए देती थी। धीरे धीरे घुघती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर जो राजा का मंत्री था, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसको राजगद्दी मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक बार जब घुघती खेल रहा था तो वो मंत्री और उसके साथी घुघती को चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले जाने लगे, तो ये सब कौवों ने देख लिया और वो जोर जोर से कांव कांव करने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला उतारकर फेंक दी। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्रियों और उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती की माला को झपटकर ले गया और बाकी कौवों ने मंत्री और उसके साथियों पर चोंच से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघती जंगल में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। जो कौवा उसके गले के हार को ले गया था, वो सीधे ले जाकर उसको महल में ले गया और वहां पर राजा के सामने उसे टांग दिया और जोर जोर से काएं काएं करने लगा। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो सबको पता था कि ये माला घुघती की है, तो उसकी माँ घुघती के लिए परेशान होने लगी। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरे डाल और दूसरे डाल से तीसरे डाल की तरफ उड़ने लगा, तो राजा और उसके सैनिक उस कौवे के पीछे पीछे जाने लगे। दूर जाकर जब कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, तब राजा ने देखा कि उसका बेटा उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया और गले से लगाकर घर लौट आया।
घर लौटने पर जैसे ही उसकी माँ ने अपने बेटे घुगती को देखा तो उसकी जान में जान आई। तब उसकी माँ को याद आया कि अगर उसके गले में ये माला ना होती तो शायद आज घुगती जिंदा नहीं होता। राजा ने अपने मंत्री और उसके साथियों को मौत की सजा दे दी। घुगती के मिलने की खुशी में उसकी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुगती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुगती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया और ये बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई और इसने धीरे धीरे बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तभी से हर साल इस दिन धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। मीठे आटे के पकवान बनाए जाते हैं जिसको घुगती नाम दिया जाता है। जो ये मीठे पकवान होते हैं इनको कहा जाता है घुगती। इनकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालते हैं और कौवों को बुलाते हैं। कहते हैं काले कौवा काले घुगती माला खा ले, इस तरह की एक बड़ी सी पोयम है उसको ये कहते हैं। इसके लिए उत्तराखंड में कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मिलना मुश्किल है। तो उत्तरायणी मेले और घुगतिया त्यौहार के ऊपर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अगर इससे पहले इस स्टोरी को जानते थे तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पहली बार ये स्टोरी सुनी है तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।